हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। सैमसंग की A50 सीरीज के बारे में तो आप सभी को पता होगा, चाहे वो A50 हो, 50S, 51, 52 या 52S या 53 हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं। स्पेशली 30 से 35 हज़ार रुपये की कैटेगरी में ऑफलाइन में काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर इसे परचेज करते हैं। अब फाइनली जो 2022 का A53 स्मार्टफोन था, उसका सक्सेसर A54 5G स्मार्टफोन सैमसंग बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है। एंड लॉन्च से पहले ये स्मार्टफोन के फर्स्ट लुक रिवील्ड हो चुके, पूरे के पूरे स्पेसिफिकेशन यहां पर बाहर आ चुके हैं। इंडिया में आपको कब तक देखने को मिल सकता है, क्या प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल सकता है, आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। फटाफट से आपको अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी A54 5G स्मार्टफोन के कंप्लीट स्पेक्स बता देता हूं, जो कि लीक हो क्या है। बिल्ड डिजाइन एंड फर्स्ट लुक की अगर हम बात करें, बैक पैनल देखोगे आपको टिपिकल सैमसंग वाला डिजाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन ए सीरीज से हट के ये एस सीरीज का ज्यादा स्मार्टफोन लग रहा है। तो डिजाइन के मामले में ये स्मार्टफोन काफी सही रहने वाला है। बताया जा रहा है बैक पैनल अगेन आपको पॉलीकार्बोनेट वाला बैक देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो ये बार आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर वाला डिस्प्ले मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीन साइज है वो आपको 6.4 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें, 6GB 8GB आपको अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेंगे। हाइब्रिड सिम स्लॉट यहां पर दिया जाएगा, साथ ही में UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X16 रैम टाइप भी देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको एक एक्सिनोस का चिपसेट मिलेगा, एक्सिनोस 1380 वाला, जो कि एक 5G चिपसेट यहां पर होने वाला है। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको बैक में ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप मिलेगा, 50 MP का प्राइमरी सेंसर है, देन 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, देन जो 5 MP का आपको डेप्थ सेंसर भी दिया जाएगा, जबकि 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 13 देखने को मिलेगा, उसी के साथ में ये वन UI 5 पे यहां पर ये रन करेगा। सेंसर्स यहां पर आपको सारे देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर। सैडली 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट यहां पर भी नहीं दिया जाएगा, एंड यहां पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी टाइप सी पोर्ट के साथ में। डिवाइस सपोर्ट करेगा 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को। कम ऑन सैमसंग यार, मेरे हिसाब से एटलीस्ट 45 वॉट या उसके ऊपर का चार्जिंग देना चाहिए था, लेकिन अगेन आपको 25 वॉट की नॉर्मल फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। एंड डब्बे में आपको अगेन चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। तो गाइस, ये ओवरऑल यहां पर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी A54 5G स्मार्टफोन के लीक हो गए थे। अब बात कर लेते हैं हमें ये इंडिया में कब स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं, क्या प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल सकता है। तो लीक्स के अगर माने तो बताया जा रहा है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 में देखने को मिलेगा। तो जनवरी में तो इम्पॉसिबल है, जनवरी में बहुत मुश्किल है, तो ये स्मार्टफोन आपको फरवरी या मार्च के महीने में देखने को मिल सकता है। उसी के साथ में जो प्राइस पॉइंट लीक हो गया, ये बताया जा रहा है जो 698 वाला वेरिएंट है, इंडिया में 33,000 से 35,000 रुपीज के बीच में देखने को मिलने वाला है। वैसे गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अपकमिंग गैलेक्सी A54 5G स्मार्टफोन के ओवरऑल स्पेसिफिकेशन फर्स्ट लुक वगैरह आपको कैसे लगे, एंड ये स्पेसिफिकेशन के साथ में ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होता है 33,000 से 35,000 रुपीज के बीच में, तो क्या आप ये स्मार्टफोन का वेट करोगे नहीं करोगे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।